जो हो गया तो हो गया, ताने मार रही है। पता जिस गांव में तुझे ले जा रहा हूँ ना, वो गांव में मेरे मामू का लड़का रहता है। वहाँ भी कौन तुम ठीक से रह लोगे, वहाँ भी लड़ोगे मुझसे रोज। क्या देखता तो मैं लड़ता रहूंगा औरों की बात कर। सारा पड़ोसी, सारा पड़ोसी से डर के चल रहा हूँ, मैं तो नहीं जाता भी नहीं। वालेकुम सलाम। क्या बात है, तो सलमा को भी गैल में लेकर आए हो। मैं आना की आकिल भाई, मुझे रहना भी तुम्हारे गाँव में ही है, कोई कमरा बतला दो यार। अरे वो तो तेरा सब जुगाड़ कर दूंगा मैं, बाकी किराए में दिला दे कोई घर। किराए का घर दिखा दूं? हाँ आओ तो देखो उधर है घर। चलो ठीक है, दिखाओ। अरे अली की अम्मी, जरा बाहर आना। अरे बोलो क्या, वो आखिर पैसे लेके नहीं आया, दो दिन लेके कर गया था। आ जाएगा, दो दिन को लेके गया, चार दिन से ही सबर रखो। देखो अगर वो आज पैसे लेकर नहीं आया ना, तो कल मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। जाओ जाओ, जितना जिसके साथ अच्छा करो उतना बुरा होता है, और फिर उनका मुकद्दर जो तुमसे पैसे ले गए। अबे जब तुझे पता है कि मेरा नाम मुकद्दर है तो बार बार मेरे नाम क्यों लेती है। चलेगा पानी पिलवा दे। अरे शेख साहब कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी ऐसी तैसी कराने जा रहे हूँ, कहाँ जा रहे हो? तुझे बता अखिल, जब मैं तुम्हारे गांव में आई पड़ा, क्या मेरा काम ना धंधा, अब हम खाएंगे क्या डले? चिंता ना करे, मेरे साथ चलेगा। हैं? तुम मेरे साथ चलियो। हाँ और तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे मुकद्दर अली नवाब साहब रहते हैं। अच्छा, वो सदा काम दिलाते हैं। भाई यार, भाई आगे भाई मुझे जरूरी है, चलो उसके पास, और मुझे काम करना है यार। मगर कल लेकर चलूंगा। हैं? कल कर के ले लिया, कल गया भाड़ में, अभी ले चल। अरे भाई कल लेकर चलूंगा, कल भी ले चल। ओ बाबा चल चल चल, मुझे ना पीटना तेरे से, चल चल दिलाते। हाँ तो बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ? अजी बोलना ही क्या, कुछ काम धंधा दे दो इसे। हाँ तो बोलो, क्या काम है तुम्हारे भाई को? काम बहुत है हमारे पास, खेतों में काम है, घर में काम है, बोलो कौन सा काम दो? नवाब साहब तुम्हें पता, भारी काम तो मेरे पास भी है नहीं, मुझे तो भाई हल्का सा काम दे दो, मेरा शरीर देख के। हाँ तो हल्का काम तो घर में ही है,
अरे हाँ, अगर तुझमें बाल बनाने आते हो तो मेरे और मेरे परिवार वालों के बाल काट दिया करना, इससे अलग काम नहीं मिलेगा। क्यों आखिल? ये ठीक है आपने, मेरे दादा बाल काटने आते ही नहीं है, अरे वो तो मैं सिखा दूंगा, वो तो और औजार भी मैं अपने दे दूंगा, और तुम्हें तो मौज करेगा हारी मंजूर है, ये कल से ही आपके यहाँ बाल काटने आ जाएगा। एक बात तो सुन ले, हमारा नाम मुकद्दर अली है और सभी लोग हमें मुकद्दर कहते हैं, और ये समझ लो कि आज से तुम्हारे मुकद्दर भी हम हैं। तुम्हें जब भी कोई भीड़ पड़े मुझे जगा लेना, और देखो कल से काम पा जाना। ठीक है, आ जाऊंगा कल से। आ जाना। आ जाऊंगा कल से। आ ही जाना। आ जाऊंगा कल से सुबह जल्दी। आ जाना। आ जाऊंगा। और मेरे तो बाल काटने आते भी नहीं है। अरे हाँ हाँ, मैं औजार भी लाऊंगा, तेरे को बाल काटने भी सिखाऊंगा। आज ही सिखाते तो फिर। आज ही? हाँ काम आज कर भाई, आज ही सिखाते। बढ़िया ताल लगा। मुन्ना जी मेरे बाल काट दो। जल्दी करो, मेरे बाल काटने हैं। अरे हाँ हाँ, बैठ शांति से। अभी करता है, अब का नंबर तुम्हारा ही है। आराम से बैठो, जल्दी करो, चल। मुन्ना जी तू लोंडो को हीरो बना दो, बिल्कुल हीरो। शेख साहब ध्यान में धरते रहो, मैं बाल कैसे कैसे काट रहा हूँ। हाँ। कभी गांव में मेरी बेइज्जती करवा दो। ऐसे तो मैं भी काट दूंगा। ऐसे मैं सीख गया। सीख गए? हटा ले, मैं काट के दिखाऊं। हटा, उठी दे लो। काट ही दो। हाँ, शेख साहब बाल काट दूंगा। अरे शेख साहब, तेरे को तो आवे है क्या चीज तरह चला रहा? आते मेरे नीचे कर। अरे कंगा बढ़िया चला ले। गलती है। आपकी तरह तमीज से बोलना चाहिए। तेरी भाभी बुला रही, चाय पी ले, अंदर जा। अरे क्या कह रही थी वो, कैसे बोल रही थी वो? कुछ नहीं, पता है भाईजान आपकी पढ़ाई कर रही थी। प्रधान जी। वाह कौन है भाईजान, अंदर आ जाओ। राम राम जी। राम राम राम। बैठो। आओ भैया, आओ। मैं नु कह रहा हूँ प्रधान जी, गांव के जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी पेंशन का काम आपके प्रधान फंड से होगा, और जिस पर आप साइन कर दोगे उन्हीं को पेंशन मिल जाएगी। अरे करना क्या है प्रधान जी को? एक रजिस्टर पे साइन अंगूठे जिनके लग जाएंगे उनके पैसे आपके खाते में चले जाएंगे, उन लोगों को आप बांट देना। ठीक है, बाद में कर दूंगा। तो मैं चलूं? बैठो भाई, चाय नाश्ता लेके जाना। जमीला चाय बना के लाना। प्रधान जी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और गांव में भी जाना है। कोई बात नहीं, कोई बात पी लेना चाय। और तुम क्या बोले, चाय वो भी मेरे हाथ की? भूल जाओ, वो महारानी कल की आई हुई पलंग पे बैठ के चाय पीती है। खबरदार, जो आज के बाद मुझे चाय के लिए बोला, आज के बाद खाना भी तुम बनाओगे या तुम्हारी बहन बनाएगी, समझ गए? शेख चिल्ली, ये क्या कह रही है, इसे क्या हो गया? मैं मुझे क्या पता क्या हुआ, रुकसान हो जाता ही, पता नहीं हवा सी भर रही है। प्रधान जी ये बीच में घुस गया, मेरा नंबर था। बता थोड़ी देर में आ जाएगा, बिल्कुल गर्म हो रहा। प्रधान जी ये कोई बात हुई,
अरे तो क्या हुआ, तुम सारे भाई तो हो, तुमने तो शोर मचा रखा है सबने आपस में। तो फिर सबको लाइन से बुलाओ ना। बात तुम लाइन से नहीं बैठ रहे थे उसमें हम क्या करें, तुम तो सारे बदतमीज जाहिल हो, पागल हो। क्या कहा, हम जाहिल है, हम बदतमीज है, हम पागल है। तुम तो सारे बदतमीज है, साले भी दे दूंगा पेंसिल से, चलो अपने घर चलो। तुम मिलोगे नहीं बदतमीज, साले की पेंसिल से काट दूंगा सबकी। कभी ना काटे, अभी तेरी प्रधानी निकाल दूंगा। मैं कभी ना निकाले, मैं साले तुमसे सब मोड़ के साले बोर्ड तुम्हें फिर भी ले लूंगा तुमसे। हम मूर्ख है, हम बताएंगे तुम्हें। तुम्हें पागल बता रहा, बेवकूफ बता रहा मैं। आया प्रधान। अबे प्रधान के बच्चे, तुझे क्या जरूरत थी वहाँ फालतू बोलने की? कुछ कमाना है तो सुननी पड़ेगी, यही मौका है कमाने का। हाँ, मौके बहुत आएंगे, जब तक मैं प्रधान हूँ मौके बहुत आएंगे। ऐसा करो, घर चल रहे वाले रोटी खाते हैं। चल भाई। कैसे बैठी हो भाभी? क्यों तेरी आँख फूट रही है, दिखाई नहीं देता? ऐसे बैठी हूँ, और बर्तन धो लिया तूने? नहीं भाभी। चल खड़ी हो, बर्तन धो। अभी धो। जा। कैसे बैठी है भाभी? इतने बड़े बाप की तो ना है जितना तू रोब जमा रही है। बड़े बाप की ना सही, मेरा आदमी प्रधान है। प्रधान? प्रधान है? हाँ। वो भी मेरे आदमी की बदौलत है कमीनी। कमीनी मत कह दियो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, और मैं तो ऐसी खाऊंगी आराम से। मुझे प्रधान चाय भी बिस्तर पे देके गया। ठीक है, मैं भी कम नहीं हूँ, आने दो दोनों को, आज खाना उन्हीं से बनवाऊंगी। भाभी तुम ही चुप हो जाओ, भैया प्रधान है प्रधान, लोग क्या कहेंगे, प्रधान के घर में झगड़ा। भाभी तुम दोनों मत बनाओ खाना, मैं बना लूंगी। चुप कर सलमा, तू कब तक बनाएगी? आज फैसला होके रहेगा। फैसला हो या ना हो, मेरा तो मन है नहीं काम करने का। खाना या तो तू बनाएगी या प्रधान बनाएगा। भैया तो ये आ गए, भूख लग रही, रोटी बन गई तो रोटी देता, भूख लग रही है। हाँ भाई लाओ लाओ खाना, लाओ खाना, खाना है। खाना खाना खाओगे? ऐसा करो रसोई में जाओ, खाना बनाओ, खुद खाओ और हमें भी खिलाओ। अबे ये क्या हो गया तुझे, इज्जत भूल गई? भूल ही नहीं हूँ, अब याद आई है। तो तू अब खाना नहीं बनाएगी? नहीं बनाऊंगी। कर लो, क्या करोगे? करते क्या, खुद बना लेंगे। क्यों भाई सेकू? आप जैसे बोलो भैया। भाई जी खाना तुम मत बनाओ, खाना मैं बना लूंगी। तू चुप कर सलमा, तू आराम से बैठ। तू बैठ, हम खुद बना लेंगे। चलो भैया, चलो भैया बना लेते हैं खाना, वरना कुछ होने वाला। प्रधान जी। हाँ जी भाईजान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे प्रधान जी आप खाना बना रहे हो, प्रधान जी के बीमार है। बस तुम अपना काम बोलो, हमारे घर का माहौल पूछना है। मैं बात पूछो, क्या पूछना? अजी गलती होगी प्रधान जी, मैं तो पिलसन वाला अंगूठा लगवाना था। अच्छा वो? हाँ जी। एक काम करना। हाँ जी। पूरे गांव के भी अंगूठा दस्तक तुम ही करवा के लिया ना। रुखसाना। हाँ। वो रजिस्टर ठाक ला अंदर से। ये नहीं ला सकती, खा खा के कटिया हो रही है, जा कटिया रजिस्टर ठाक ला। ये कटिया ना है, हमारी बहन है, जा ले आ। ठीक है जी, एक भी गलत होगा ना पूरी बिल्कुल तुझ से लूंगा। चलो वे खाना बनाते हैं। बनाते हैं खाना भाई। आज भी आ जा तुम्हारा शान, मैं कुछ और करता हूँ, मसाला बनाता हूँ। इधर करना पड़ेगा भैया, क्या करूँ तुम्हारा। अच्छा बताइए पकड़ने। हम्म,
आटा छान रहे सिरे भाईजान, भाईजान जल्दी बना लो खाना, दोनों में हवा सी भर रही है वरना कुछ होने वाला। भैया दाल में सीटी आ गई, कर रही है फुर 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 कर रही है। रोटी तो बिल्कुल मजबूत बनाई है, टिकाऊ बनाई है, खा के देखती हूँ। ये कैसा खाना बनाया है, इतना नमक फूक रखा है इसमें। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ना सिखाया, खाना बनाना भी नहीं सिखाया, ऊँट के ऊँट हो रहे हो, गांव के प्रधान हो, ये रोटी भी जली भी बना दी, बर्तन भी साफ करके खाना नहीं बनाया, कितने गंदे बर्तन हो रहे हैं। भाभी जैसी पक गई वैसी खा लो ना। सलमा तू बीच में मत बोल। अबे हमें तो बोलने का मौका दे दो। आज सच्ची बनाएंगे, हमारी तो भाभी बनाती थी, पता नहीं से क्या हो गया। जब दोनों की कमाई खाएगी तो पकाएगी नहीं। क्या कह रही है हराम जादी, अभी बता दूंगी। अरे खाना तो खा लो। आराम से खा लो, तुम पे खाया भी नहीं जा रहा। क्या कहा? खा लो खा लो, हमें तो गांव में काम से जाना। हाँ जाओ निकलो। क्या कह रही थी तू प्रधान के सामने? प्रधान के सामने? हाँ प्रधान के सामने क्या, मैं तो तेरे आगे भी बोल रही थी। सुतरी तेरा मुंह पीट दूंगी ज्यादा बोलेगी तो। मैं कह रही हूँ कल की आई हुई बात बना रही है, मान जा अभी बता दूंगी तुझे। मान जा भैया प्रधान जी। हाँ ये लग तो सरकारी आदमी रहा। हाँ लग तो सरकारी था, लोगों को क्या पट्टी पढ़ा रहे आयो, चल के देखती है। भाई तुम दिक्कत मत लो, सबको पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा प्रधान फंड से। ठीक है। और सर सेक्रेटरी साहब कैसे हो? कैसे क्या, तुम्हारे गांव वाले लोगों के साइन हो गए हो तो सबसे पहला पैसा आपके गांव वाले लोगों को मिलेगा। लाओ तो दे दो फिर। प्रधान जी चाय पिलाने के मारे हिंसे टरकाना चाह रहे हो? हम टरका रहे हैं, हम तो गांव में फिर कहा है, गांव की समस्या देखा है, समस्या देखा है गांव की। अरे वाह चाय पीने के बाद घर चलो, चाय पी के जब जाना चलो। कागज कहाँ है? दस्तक है गाड़ी में। ठीक है सलमा। ए सलमा। हाँ भाई जी। गांव में साहब आए, चाय लाओ चाय लाओ, बढ़िया सी चाय लाओ। खबरदार जो चाय बनाई, अब पता चलेगा प्रधान और प्रधाननी को। प्रधान जी हमने सुना प्रधाननी आई है, उनके हाथ की चाय पियेंगे। वो प्रधानी की उंगली कट रही है, उंगली। हाँ जी उंगली कट रही है। मैं देखता हूँ। अजी रहन